जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसे ही आप मैट्रिक इंटरमीडिएट पास करते हैं, उसके बाद आपके आंखों में एक सपना तैरने लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि डिफेंस में अपना करियर बनाएं, एक लेफ्टिनेंट की तरह, एक ब्रिगेडियर की तरह, एक कर्नल की तरह आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो NDA एग्ज़ाम के थ्रू आप अपने सपनों को पूरा करते हैं। इसमें जो आपको सवाल पूछे जाते हैं वो सब इंटरमीडिएट लेवल का होता है, यानी कि जो आपने 12th क्लास तक पढ़ा है, 11th 12th के ही सारे आपके जो सिलेबस के, जो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस होते हैं, उन्हीं से सवाल सारे बनते हैं। ये टोटल 1800 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 900 मार्क्स का रिटेन और 900 मार्क्स का SSB इंटरव्यू होता है। 900 जो मार्क्स होते हैं रिटेन के, वो भी दो सेक्शन के होते हैं। एक सेक्शन मैथमेटिक्स का होता है जो 300 मार्क्स के होते हैं, और दूसरा सेक्शन जो होता है 600 का होता है, जो आपका 200 मार्क्स, जिसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होते हैं, और बाकी 400 क्वेश्चन जिसमें GS, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करेंट अफेयर्स, इन सबसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद 900 मार्क्स का आपका SSB है, जो 5 दिनों के लिए जहाँ पे कॉल आता है वहाँ पे जाके आपको देना है। तो NDA पास करने के बाद आपको 3 साल के लिए, NDA से चूंकि आप मिलिट्री सर्विस में भी जाते हैं, एयरफोर्स में भी जाते हैं, नेवी में भी जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद 1 साल का ट्रेनिंग आपका जो रिस्पेक्टिव जो विंग है, जैसे आर्मी वाले विंग में जाते हैं तो आर्मी आपका 1 साल से अलग का ट्रेनिंग देगा, नेवल वाला अलग 1 साल से नेवी का देगा, और एयरफोर्स वाले अलग से। यानी कि NDA पास करने के बाद 4 साल और आपको पढ़ाने के बाद ही आपको जॉब में, 19.5 साल होते होते आपको जॉब में, एक दिन ना ज़्यादा ना कम, आपको भेज दिया जाता है। तो इंग्लिश पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि NDA सिलेबस जो है इसको क्वालिफाई करना है, NDA एग्ज़ाम को इंटरमीडिएट के बाद, तो आपको दो एग्ज़ाम देना है, एक रिटेन एग्ज़ाम देना है, दूसरा इंटरव्यू होता है। रिटेन 900 का और 900 का इंटरव्यू होता है। सारे एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, आपको 4 ऑप्शन में से एक को सही करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसके एग्जाम होते हैं। 900 मार्क्स का रिटेन होता है जो मैंने आपको बताया, और 900 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। दोनों को मिला के आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। 300 का इंग्लिश और 600 का रहता है आपका बाकी जो GK GS होता है वो सारा। तो ये ढाई ढाई घंटे का एग्ज़ाम होता है, 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, और जनरल एबिलिटी में 600 और प्लस 300 जो होते हैं ये इंग्लिश के होते हैं, यानी कि 900 टोटल आपका 1800 के मार्क्स हो जाते हैं। ये साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देना है दोस्तों, साल में 2 बार एग्ज़ाम देना है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना सबसे बेस्ट है दोस्तों। आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC, बैंक, CPO, CAPF, CDS, NDA, जुडिशरी, रेलवे, डिफेंस, PCS, UPSC, IELTS, हर एक एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश पेपर के लिए आप श्याम शर्मा क्लासेस पर रिलाय कर सकते हैं। यहाँ आप ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स आदि प्राप्त करके, जो बुक्स हैं सब एक्सक्लूसिवली आपके लिए डिजाइंड हैं। आप सिंपली 9599614791 पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप सारा डिटेल्स मंगा के आप अपने इंग्लिश पेपर की तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जाके श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को वहाँ से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी एक कोर्स परचेज करेंगे और सारा कोर्सेज आपको उसके साथ मुफ्त मिलता है, यानी कि 2000 का कोर्स आप एक ले लें, उसके साथ जो भी अतिरिक्त कोर्सेज वहाँ पे हैं उसके लिए अलग से अतिरिक्त पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं। कि जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, देना है, आप टारगेट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएं। तो आज से मैं आपका NDA है, CDS है, CDS आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, या IFCAT है, या CAPF है, या फिर आपका जो CHSL है या CGL है, या फिर आपका TET आप देते हैं स्टेट का, या CTET देते हैं जो आप TGT की वैकेंसी निकलती है, PGT की वैकेंसी निकलती है, उसके ऊपर MA पास करते हैं, तो फिर आपका UGC कंडक्ट करता है आपके लिए नेट, GRE, वो सब के बारे में मैं बताऊंगा कि आप कैसे किस तरह से अपने करियर को आगे ले जाएंगे। तो पहला जो आज सवाल है वो NDA इंग्लिश पेपर का है। ये NDA 1 साल में 2 बार पूछे जाते हैं ना, तो ये NDA 1 जो 2021 का है उसका ये सारा है।
इसमें सेनोनेम, एंटोनेम्स और इडियम फ्रेजेज ज्यादा पूछे जाते हैं, और ग्रामर में आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सबका होना चाहिए। तो देखिए, पहला जो सवाल है इसमें आपको सेनोनेम बताना है। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का मतलब संक्रामक होता है, तो इससे रिलेटेड आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। संक्रामक यानी कि जैसे ही मतलब आप संपर्क में आते हैं आपको कैच कर लेता है। तो पहला का अगर आपने डी लगाया है तो ये बिल्कुल सही है, तो साथ में आप बनाते रहिएगा। दूसरा है डायनेमिक, दूसरा जो है वो है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील, और डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसका जो प्रगतिशील स्वभाव है वो सबको इम्प्रेस करता है। तो प्रगतिशील का हो जाएगा इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन होता है वो भी क्रमिक विकास होता है, जैसे डायनेमिक होता है प्रोग्रेसिव वैसे इवोल्यूशनरी होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है सी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, यानी कि उसे अपने किस्मत पे पश्चाताप हो रहा था, तो विलाप कर रही थी। तो बीमोन करना मतलब रोना होता है, तो लेमेंट करना, बीमोन करना, ये बी हमारा आंसर हो जाएगा, बीमोन होता है। ठीक है, रोना, कोई चीज पे आंसू बहाना, बीमोन करना, दुख व्यक्त करना। अगला जो है दोस्तों ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब आपसे पूछा जा रहा है इस वाक्य में। तो ऑर्गेनिक का मतलब डिसिप्लिन होता है, बहुत ही संगठित और अनुशासित, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो यहाँ पे डी आंसर लगाइएगा, यानी फोर्थ का डी हो जाएगा। तो वोकेबलरी तो आप आसानी से कर सकते हैं खुद से भी, मेन फोकस मेरा फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन इधर पे होगा, तो इसको भी मैं एक नज़र करा देता हूँ। ओरेटर है, वो बहुत अच्छा ओरेटर है, यानी बहुत अच्छा वक्ता है। तो ओरेटर है, ओरेटर का मतलब होता है बहुत अच्छा वक्ता है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा इलोक्वेंट होता है, इलोक्वेंट स्पीकर बोलते हैं, प्रखर वक्ता है। तो यहाँ ओरेटरी का एलोक्वेंस हो जाएगा, यानी पांचवा का जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये है सी इज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो पैटर्न का मतलब होता है जो सहायक होता है, तो सहा बैक करना मतलब सपोर्ट करना होता है, तो बैकर हो जाएगा, असिस्टेंट हो जाता है, सहायता करने वाला। तो 10 सेनोनेम से हैं, 10 एंटोनेम से पूछे जाएंगे। एरोगेंस है, एरोगेंस का मतलब, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट है, तो एरोगेंट से बन गया हमारा एरोगेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो घमंड को हम कॉन्सीट कहते हैं, तो ये सातवां का सी हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर है, कॉन्सीट मतलब घमंड। अगला है दोस्तों रिकॉनिसेंस, रिकॉनिसेंस का मतलब क्या हो जाता है? रिकॉनिसेंस ऑफ द इंटायर इशू, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, जांच पड़ताल। तो आठवां का सी लगाइएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है माई डाउटर इज माई रेप्लिका। तो रेप्लिका का मतलब है कि कोई आपका फोटो कॉपी है, तो इसका क्लोन हो जाएगा, एकदम एक ही जैसा दिखने वाला। 9th का सी लगाइएगा, रेप्लिका, क्लोन, कॉपी, हम सकल। क्वेश्चन नंबर 10 है सर डोमिनिक, सर डोनिक का आपको बताना है मीनिंग, सिमिलर मीनिंग। तो सरकास्टिक का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, तो सरकास्टिक से कुछ हमें क्लू मिल रहा है, इसीलिए रूट वर्ड्स पढ़ना जरूरी होता है। सर डोमिनिक यहाँ पे मॉकिंग हो जाएगा, यानी 10 का जो सी आंसर है ये हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, मॉकिंग। अब एंटोनेम देखिए, यहाँ पे जो एंटोनेम है इसको आपको देखना है। तो सेनोनेम एंटोनेम्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो इसको आपको वोकेबलरी को अच्छा करके चलना है, जल्दी जल्दी मार्क्स भी मिल जाएगा। अट्रैक्टिव का मतलब सुंदर हो जाता है, तो जो बदसूरत है उसका रिपल्सिव हो जाएगा। यहाँ पे सी जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब है जिसका कोई सीमा नहीं है, तो जो सीमित है उसको फाइनाइट बोलते हैं, और इनफाइनाइट मतलब बाउंडलेस हो जाएगा। तो फाइनाइट इसका उल्टा मीनिंग बताना है, कंट्ररी मीनिंग। अगला है क्लियर, क्लियर का मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ओपेक। देख रहे हैं वोकेबलरी बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। अगला है आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर, डीप का मतलब गहरा होता है, तो सैलो का मतलब छिछला हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये चूंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार मैं रिव्यू करा देता हूँ। मेरा मेन फोकस जो रहेगा कि आप ग्रामर में बहुत अच्छा रहें, क्योंकि उसी से आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी आप बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, और SSB आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। माई बॉस हैज़ बीन टू जेनरस, जेनरस का मतलब बहुत ही दयालु होता है, तो इसका हो जाएगा हॉस्टाइल, जो हमेशा ईर्ष्या के भाव रखने वाला, इसका हॉस्टाइल लिखेंगे।
स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब अत्यधिक होता है, तो इसका स्कार सिटी हो जाएगा, स्कार सिटी भी लगाइएगा, प्लेंटी अत्यधिक, स्कार सिटी अभाव हो जाता है। इसके बाद अगला जो सवाल है इंडस्ट्रियस, आप देखिएगा कितने सवाल आप खुद बना पाते हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा लेजी, यानी 17 का सी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है, वोकेबलरी आसानी से आप बना पा रहे होंगे। प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस, ग्रो का मतलब उपजना होता है, और श्राइवल का मतलब हो जाता है कुंभला जाना, कोई चीज को मतलब पढ़ने के विपरीत वो मतलब डाइंग सिचुएशन में जा रहा है, यानी कि श्राइवल सिकुड़ रहा है या फिर मुरझा रहा है, कुंभला रहा है, श्राइवल लिखिएगा 18 का ए। रेयरली, अब देखिए ऑलवेज का उल्टा नेवर होता है, तो रेयरली का उल्टा फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, तो 19 का डी लगाइएगा। अगला है क्रूक्ड, क्रूक्ड का मतलब कुटिल होता है, तो कुटिल का उल्टा हो जाएगा हम सीधा सीधा बोलने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या 20 का सी लगाइएगा। तो 10 सेनोनेम पूछा गया है, 10 एंटोनेम पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि सेनोनेम और एंटोनेम आपका 20 क्वेश्चंस है, तो 20 × 4 हो जाएगा, यानी कि 80 मार्क्स के आपके ये आ रहे हैं। फिर आप देखिए ईडियम फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस है पहला ओवर स्टेप द मार्क। ओवर स्टेप द मार्क का मतलब क्या होता है कि जितना आपसे उम्मीद किया जा रहा है उससे ज़्यादा आप कर, मतलब जो जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं, मतलब ये गलत सेंस में है, यानी किसी को आप उदास कर रहे हैं कि अपना लिमिट से ज़्यादा बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये सी जो आंसर है ये हो जाएगा, ओवर स्टेप द मार्क, डोंट ओवर स्टेप द मार्क, ऑलवेज फॉलो द मार्क एंड बी विद इन द मार्क, ओवर स्टेप नहीं करना है। 21 का सी हो जाएगा। बाईस का देखिए दोस्तों, 22 का है पालसी वालसी फ्रेंड्स। पालसी वालसी फ्रेंड्स का मतलब अच्छे दोस्त होते हैं, तो यहाँ पे 22 का अगर ए लगाया है आपने तो बिल्कुल सही है, पालसी वालसी फ्रेंड्स यानी कि गुड फ्रेंड्स। अगला है ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, कहते हैं पेंडोरा बॉक्स खोलना मतलब ऐसी चीजों को आप छेड़ दे रहे हैं जिससे नई नई समस्याएं क्रिएट हो जा रही है, तो यहाँ 23 का अगर ए लगाया है तो ये बिल्कुल सही है। पुल योर सॉक्स ऑफ, पुल योर सॉक्स ऑफ का मतलब होता है यू पुल योर सॉक्स ऑफ, अगर कोई कह रहा है तो कह रहा है कि आप अपना जो है व्यवहार वगैरह उसको बढ़िया करिए, बेहतर करिए, इम्प्रूव योर वर्क या इम्प्रूव योर बिहेवियर, अपने काम को अच्छा करें या व्यवहार को अच्छा करें, पुल योर सॉक्स ऑफ। बहुत सारे इडियम्स के मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाते हैं। गेट अंडर समबडीज स्किन, इसका मतलब होता है कि यू आर गेटिंग अंडर माई स्किन, यू आर गेटिंग अंडर योर फादर स्किन, इसका मतलब है आप उन्हें दुखी कर रहे हैं, अन्वाय कर रहे हैं, तो ये 25 का सी लगाइएगा, किसी को अन्वाय करना हो जाता है। अगला है टर्न टॉपसी टर्वी, टर्न टॉपसी टर्वी मतलब बिल्कुल एकदम खराब कर देना, सिचुएशन को एकदम चेंज कर देना जो है उससे बिल्कुल अलग, कंप्लीटली चेंज समथिंग, तो यहाँ पे 26 का ए लगाइएगा, बिल्कुल उलट पुलट कर देना, टॉपसी टर्वी। अगला है क्लेरियन कॉल, क्लेरियन कॉल जो होता है इसका मतलब होता है किसी से स्ट्रांगली कोई चीज के लिए निवेदन करना, स्ट्रांग रिक्वेस्ट, 27 का सी लगाइए दोस्तों। तो सिनोनिम एंटोनिम्स के भी अच्छे सिलेक्टेड वर्ड्स मैं आपको दूंगा, और उसके बाद ईडियम फ्रेजेस का भी दूंगा, एक बार मैं आपको अवेयर करा दे रहा हूँ सिलेबस से, जैसे आज मैंने एनडीए का कराया है तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है वो सब के बारे में मैं थोड़ा बता के और उसके एक सैंपल पेपर कराऊंगा, इससे आपको जानकारी मिलेगा, और इंग्लिश के लिए आप पूर्ण रूप से आप यहाँ रिलाय कर सकते हैं। फायर इन द बेली, फायर इन द बेली का मतलब होता है अचानक, कहते हैं ना कि एकदम पेट में आग है, एकदम लगा हुआ कुछ करना है, एकदम मन में एकदम आग लग जाना, फायर इन द बेली की मतलब कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, बहुत पावरफुल एम्बिशन है आपके पास कोई चीज़ के लिए, तो आई हैव फायर इन द बेली टू डू समथिंग, आई हैव फायर इन द बेली टू क्रैक दिस एनडीए एग्जाम एट वन गो। अगला है हंकी डोरी सिचुएशन, ये अच्छा सिचुएशन होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब लोग खुश हैं, तो ये 29 का बी हो जाएगा, कोई भी समस्या वहाँ नहीं है। 30 है गिव समबडी अ लेग अप, यानी किसी को हेल्प कर रहे हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, 30 का डी लगाइए। तो दोस्तों जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ध्यान में रखना है कि वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल है, देख रहे हैं 50% से ज़्यादा वोकेबलरी हो गया, यानी कि 85 क्वेश्चन होते हैं उसमें 30 मार्क्स के तो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स और इडियम फ्रेज जा रहे हैं, ये करेंट जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 का उससे है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपने आप को तैयार रखना है।
अब देखिए, इरर स्पॉट करना है। इसमें लिखा हुआ है कि आप ऐसा मत समझिए कि आपके दुख पे आप ही का अधिकार है, मतलब आप ही खाली दुख भोगेंगे, दूसरे लोगों के पास भी समस्या है, इस बात को समझिए। तो टू का मतलब है कि जो स्टेटमेंट यहाँ है वही स्टेटमेंट यहाँ है, यानी ही इज पुअर, आई एम पुअर टू। तो यहाँ पे डोंट लगा के मीनिंग को बदल दिया गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को ये हटा दीजिए तो ये वही मीनिंग आ जाएगा। आपके पास सिर्फ समस्या नहीं है, आपका सिर्फ समस्या पे अधिकार नहीं है, दूसरे लोगों के पास भी समस्याएं हैं। यहाँ डोंट हटा दीजिएगा तो सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इफ यू से दैट समवन दैट एडमायर हैज फिट ऑफ क्ले, अगर आप किसी को प्रशंसा करते हैं कि वो गरीबी में है, परेशानी में है, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स, आपका कहने का मतलब है कि उनके कुछ गलती है जिसकी वजह से वो परेशानी में है, दलदल में फंसे हुए हैं। तो ये पूरा मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे बात ये आ रहा है कि दैट दे हैव हिडन फॉल्ट, तो दे किसके लिए आया है, समवन के लिए। तो आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर प्रोनाउन लेता है, तो यहाँ दे और हैव गलत है, यहाँ पे ही हैज होना चाहिए। यहाँ जो दे हैव है ना, यहाँ पे ही हैज होना चाहिए, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी पार्ट में हमारा इरर है। ठीक है, ये बात हो गया। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, उसने अपने डिसीजन को चेंज करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज इट पॉइंट आउट, तो यहाँ रिफ्यूज के बाद जैसे इन्फिनिटिव लगा हुआ है, यहाँ पे भी रिफ्यूज जब भी लेगा तो वर्ब जब भी होगा तो बेयर इन्फिनिटिव नहीं, फुल इन्फिनिटिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाद में लिखना है, ऑब्जेक्ट इट जो है इसका है, इंगित करना, उसने ये बताने से मना कर दिया कि क्यों वो रिफ्यूज किया है, तो ही रिफ्यूज टू पॉइंट आउट इट, अगर लिखेंगे तो सही हो जाएगा, तो ये गलती था इसमें। अगला जो है दोस्तों, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स, यानी मुगल टाइम्स में जो ट्रेड का जो महत्व था वो इस बात पे जोर देता था, कल्चरल डिफिनेशंस ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे चीज़ों पे वो बल देता था, कल्चरल डिफिनेशन उसका जो था कि मूवेबल प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करना है, चल संपत्ति। तो आपको पता है कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, यहाँ पे अगर कंप्राइज की जगह कंसिस्टिंग ऑफ होता, कंसिस्टिंग ऑफ, तो ये सही होता, या फिर कंप्राइजिंग कर देते तो सही होता, चाहे तो ऑफ लगा दीजिए या कंसिस्टिंग ऑफ कर दीजिए, तो ये सी पार्ट में गलती ये हो गया। अगला जो है दोस्तों, इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्राई टू से क्लियर ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पीरियल गवर्नमेंट, इम्पीरियल जो मतलब जो उस समय के जो शासन शासक वर्ग थे उससे स्कॉलर्स अपने आप को दूर रखते थे। टू स्टे क्लियर तो सही लिखा है, बस प्रीपोजिशन गलत है, कुछ ऐसे वर्ड या फ्रेज होते हैं जिसके साथ सही प्रीपोजिशन लगता है, जैसे विद अ व्यू टू, अब विद अ व्यू फॉर कर दे तो गलत हो जाएगा, लुक फॉरवर्ड टू, अब फॉर कर दे तो गलत है, तो टू स्टे क्लियर ऑफ जो है ये कंप्लीट प्रीपोजिशन इसके साथ जाता है, तो यहाँ ऑफ लगाते अगर ये बिल्कुल सही हो जाता। तो देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल है, ही बिगेन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर दैट मेन एंड वीमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, तो आपको क्या लगता है कि ये तो सही बात है ना कि बायोलॉजिकल फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं, तो ये फैक्ट जो है ये हमेशा के लिए है, तो जो बात हमेशा के लिए है वो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो मेन एंड वीमेन हैव होना चाहिए, प्रेजेंट में लिखिए, यहाँ हैड हटा के हैव कर दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है, दो ही इज पुअर बट, तो दो जो है ये भी कंजंक्शन है और बट जो है ये भी कंजंक्शन है, दोनों दो वाक्यों को जोड़ता है, तो ये दो वाक्य हैं, चाहे इससे जोड़ लीजिए या इससे जोड़ लीजिए, तो दो कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बट हटा दीजिए और कॉमा रहने दीजिए, मन है तो येट लगा सकते हैं एडवर्ब को तो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बट रहने को हटा दीजिए या बट की जगह एट लगा दीजिए तो फिर सही हो सकता है, तो बी पार्ट में गलती माना जाएगा। अगला जो है वो देखिए, माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरी थिंग फॉर द फैमिली, तो यहाँ देखिए फॉर यहाँ पे टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ पर्पस बता रहा है, तो इससे आप रिलेट मत करिएगा, यहाँ पे इस वाक्य में कोई एरर नहीं है, माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरी थिंग फॉर द फैमिली, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इज कर दीजिए या डज कर दीजिए तो सही हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ये टेंस जो है अपने आप में समय बताता है, जरूरी नहीं है कि समय हो तो ये टेंस रहे, समय रहेगा तो उसके अनुसार टेंस लगेगा, अगर टेंस समय नहीं दिया हुआ है तो इससे हम समय का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं,
मेरी माँ परिवार के लिए सब कुछ करते आ रही है, ये बोलना गलत नहीं है। इसलिए नो इरर लगाइएगा, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में इरर ही हो। नो इरर याद रखें, बहुत सारे लोग यहाँ डज या इज लगा के इसको सही कर दिए हैं। ये वाक्य खुद ही सही है, कोई गलती नहीं इसमें। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि आई हैव बिन इल या आई हैव बिन हेल्पिंग देम, तो जरूरी नहीं कि हैव बिन और हैज बिन लग गया तो फॉर सिंस ड्यूरेशन वाला टाइम या पॉइंट वाला टाइम लिखा रहेगा तभी सही है। ऐसे भी ये करेक्ट है। वेन लर्निंग टू ड्राइव, आपको पता है वेन जो होता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आगे पूरा क्लाउज चाहिए, तो आगे क्लाउज नहीं है तो यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्शन बताने के लिए वाइल का प्रयोग करिए। वाइल लर्निंग हाउ टू ड्राइव, यहाँ लर्न नो के बाद जो इन्फिनिटिव आता है हाउ के साथ आता है, हाउ टू ड्राइव। तो जो भी है एरर हमारा ए पार्ट में था। वेन जब भी होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा के एक क्लाउज देना जरूरी होगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन है कॉमन एरर का। अगला क्वेश्चन है आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ये सही है, हम प्रेजेंट में टेंस को आप टाइम से नहीं बांध सकते, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थ्रू आराम से फ्यूचर की बात कह सकते हैं, कोई गलती नहीं। बस गलती यहाँ पे आर्टिकल का है, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी द तब लगाते हैं जब सेकेंड टाइम इसको रेफर किया जाए या पहले टाइम में इसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, तो एन लगाइए। तो ये अगला जो है दोस्तों ये भी ग्रामर से रिलेटेड ही होगा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर वॉज अ टाइम वेन वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट, तो एक समय था जब जर्मनी में एक हायरार्की थी, डिस्टिंक्ट हायरार्की थी। तो हायरार्की का मतलब हो जाता है कि किस तरीके से पद सोपान इसको कहते हैं, तो इस वाक्य को पूरा कर रहा है हायरार्की, डी लगाइएगा, ये हमारा सही है। अगला है आई वॉज विद द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड टू बी बेटर, मतलब उम्मीद कर रहे थे कि बेटर हो लेकिन उतना अच्छा हुआ नहीं, तो मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। तो मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ, तो जहाँ फीलिंग बताना है तो वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, और जब फीलिंग नहीं बताना है, पर्सनालिटी बताना है, तो ING प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे दिस इज अ डिसअपॉइंटिंग थिंग, तो ये ठीक है डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, लेकिन मैं हूँ तो फीलिंग बता रहा हूँ, जैसे आई है तो यहाँ डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, और ये दोनों वाक्य के मीनिंग के अनुसार मैच नहीं करते, तो डिसअपॉइंटेड हमारा सही आंसर है। अगला है दोस्तों आई वॉज एक्सपीरियंस एवरीबडी वॉज सॉफ्ट, आ तो कैसा एक्सपीरियंस था, आई वॉज अ मैं खुद ए पर्सनालिटी को बता रहा है, एक्सपीरियंस को बताना है, तो एक्सपीरियंस टेरिफाइड तो होगा नहीं, तो ईडीडी वाला को हटा दीजिए, तो टेरिफाइंग जो हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा। डिनाउंसिंग का मीनिंग यहाँ से मैच नहीं करता है, डिनाउंस मतलब नीचा दिखाना हो जाएगा, तो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड, टेरिफाइंग का मतलब भयानक। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का आप कहाँ प्रयोग करें, वहां से पूछा गया था ये सवाल। द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वॉज सच अ सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ सिक्वल, तो इसका सिक्वल बनेगा, क्योंकि कोई भी जो है फिल्म का एपिसोड का सिक्वल बनता है, तो यहाँ पे सी अगर आप लगाते हैं तो ये बिल्कुल हमारा सही है। अगला है यूनाइटेड नेशन हैड 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लैनेट है। अगला है द यूनाइटेड नेशन हैड 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट हेल्थ, हैड डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर्ड किया था, यहाँ पे घोषित किया था, यहाँ पे वर्ड जो आएगा डिक्लेयर्ड आ जाएगा। तो ये भी ऑलमोस्ट वर्ड से रिलेटेड भी है और ग्रामर से रिलेटेड भी है। माई मदर इज पंक्चुअल बट ही इज लेट टूडे, तो मेरी माँ जो है इज सामान्यतः पंक्चुअल होती है लेकिन आज लेट है, तो सामान्यतः के लिए क्या हो जाएगा, सामान्यतः के लिए यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा, यहाँ पे सी लगाइएगा, ये सही है। माई ब्रदर, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर इज यूजुअली पंक्चुअल बट ही इज लेट टूडे, तो यूजुअली के लिए होता है नॉर्मली, यहाँ सी लगाएंगे, 47 का सी हो जाएगा। अगला जो है दोस्तों माई सन इज वेरी ही ट्रस्ट एवरी वन, तो सबको ट्रस्ट करता है, इसका मतलब क्रेडिबल है, सहज विश्वासी है। बुलीबल का मतलब भोला भला होता है लेकिन ट्रस्ट से रिलेटेड है, तो ट्रस्ट विश्वास का, क्रीड का मतलब ट्रस्ट होता है, तो क्रेडिबल लगाइएगा, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ बिलीवर इन अ गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा पावरफुल बिलीवर, चेयरफुल बिलीवर, होपफुल और स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब होता है पक्का,
तो पक्का के सेंस में, जैसे स्टॉन्च इनमी, पक्का दुश्मन, तो स्टॉन्च का मतलब होता है पक्का, कड़ा, तो स्टॉन्च का प्रयोग करेंगे 49 का ए। आई विश, तो अगर यहाँ पे विश प्रेजेंट में विश करते हैं तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड लगता है, यानी वी टू लगाएंगे। सी आई विश्ड होता तो यहाँ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता। तो इस तरीके से हमने टोटल 50 क्वेश्चंस देखा और कंक्लूजन पे ये पहुंचा कि दोस्तों एनडीए का जो पैटर्न आ रहा है इसमें ग्रामर का आपको तो ज़रूरत है ही, पूरे तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वोकेबलरी का अच्छा खासा रोल है, यानी कि सेनोनेम, एंटोनेम्स, इडियम फ्रेजेस, इवन इफ की फिल इन द ब्लैंक्स में भी काफ़ी वोकेबलरी आपको हेल्प करेगा। तो मैं कुछ पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं कहूँगा कि आप बनाएं, और मैं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाता रहूँगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा। और अपना फोकस रखिए, बनाए रखिए, इंग्लिश के लिए पूर्ण रूप से आप यहाँ रिलाय कर सकते हैं श्याम शर्मा क्लासेस के ऊपर। अपना ख्याल रखेंगे, जय हिंद, जय भारत।